नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के सीबीटी वन के बारे में, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन के स्टेज वन के बारे में आपको क्या करना चाहिए। अब इन यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं सभी लोग कोर्स बेचने के चक्कर में लग गए हैं। आपको कोर्स अभी नहीं खरीदना है, आपको अभी क्या करना है, सीबीटी वन में क्या सिस्टम होता है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम ग्रुप डी में मात्र 5-5 मिनट के साइंस का वीडियो लाकर और आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म करा के जाते थे और 5 मिनट का जो वीडियो बनाते थे, हर वीडियो लगभग 50 से 60 हज़ार व्यू जाता था और एक नंबर का हर हाल में पूछता था, आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, वैसे ही हम जो साइंस का माहौल बनाया गया एलपी टेक्नीशियन में कोर्स बेचने के लिए, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, बेसिक साइंस की उड़ान। आप विश्वास रखिएगा, इस चैनल के साथ जुड़िए और शाम में जो 6 बजे बैच चालू कर रहे हैं, मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो आएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। आपको बेसिक साइंस किसी भी टीचर के पास नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम नया स्टाइल में पढ़ाएंगे, 100% समझ में आएगा, उतना ही पढ़ाएंगे जितना पूछेगा। अब चलिए हम एलपी टेक्नीशियन सीबीटी वन के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको एलपी टेक्नीशियन बनना है तो साइंस का उड़ान जो बैच होगा वो साइंस का उड़ान नहीं होगा, आपको एलपी टेक्नीशियन बनाने का उड़ान होगा। देखिए, हम एलपी टेक्नीशियन के सीबीटी वन के अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल ये 75 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग नेचर के बात करें यूआर और ईडब्ल्यूएस में तो 40% अगर आप नंबर लाते हैं तो सीबीटी वन क्वालिफाई कर दीजिएगा, सीबीटी टू आप दीजिएगा। 40% का अर्थ हो गया कि आप 75 में 30 नंबर लाइए और क्वालिफाई हो जाइए। ओबीसी का बात किया जाए तो 30% अगर नंबर लाना है, एससी का बात किया जाए तो 30% और एसटी को मात्र 28% नंबर लाइए और सीबीटी वन आप आसानी से क्वालिफाई कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर का क्या महत्व है इस एग्जाम में। मैथ का बात किया जाए तो आपको मैथ का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का रहता है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 25 नंबर का होता है। साइंस का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 20 नंबर का रहता है। करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन रहता है और ये 10 मार्क्स का आपका होता है। ये टोटल मिलाकर आपके 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन हम साइंस को एकदम धुआं धुआं कर देंगे भाई, मेरा विश्वास रखना। शाम को 6 बजे कब से बैच इसका चालू करने जा रहे हैं आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। अगर किसी भी तरह का आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में मेरा लगातार वीडियो ट्रेंड किया साइंस का, वैसे ही एलपी टेक्नीशियन में लगातार हर वीडियो को साइंस वाला ट्रेंड कराना है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताइए कि साइंस का जो बैच है उसको कब से चालू किया जाए, एक बार आप लोग कमेंट में अपना राय भी दे सकते हैं।